हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सिद्धांत जैन, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सिलोगिज्म, जहां मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आइदर और केसेस के बारे में कि ये कब कब बनते हैं। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, और SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग में सभी टॉपिक स्कोरिंग है, और प्रीलिम्स में आप हमेशा पूरे मार्क्स ला सकते हैं, 35 आउट ऑफ 35। चलिए, तो सिलोगिज्म की हम बात करते हैं, आइदर और केसेस कब कब बनते हैं और कब कब नहीं बनते हैं। क्लियर? तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। सपोज करिए स्टेटमेंट है सम ए आर बी नो बी आर सी ऑल सी आर डी सम डी आर ई, या फिर चलो स्टेटमेंट ज्यादा क्यों ले, कमी ले लेते हैं, क्योंकि केवल हमें कंसेप्ट ही समझना है आइदर का। सम ए आर बी सम बी आर सी, इस तरह आपके स्टेटमेंट आते हैं। वेन डायग्राम से सिलोगिज्म आसान सॉल्व करना बहुत आसान है। वेन डायग्राम से सिलोगिज्म को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो मैं आपको कंक्लूजन बताता जा रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा कहां कहां आइदर केस बनता है, कहां कहां नहीं बनता। बाकी का ये चार्ट तो आपको पता ही होगा, ऑल के साथ सम नॉट आए तो आपका आइदर और बनता है, सम के साथ सम नॉट आए तो आइदर और बनता है। ये कंक्लूजन की बात हो रही है, सम के साथ नो वाला कंक्लूजन हो आइदर बनता है, ऑल और नो के केस में आइदर नहीं बनता, ये एक्सेप्शन केस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे जहां हम कंफ्यूज होते हैं वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंक्लूजन, मैं आपके सामने कंक्लूजन लिखता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कहां कहां आइदर केसेस बनेंगे। बताइए यहां आइदर केस है या नहीं। देखिए, सम ए आर बी सम बी आर सी, एक तो जब मैं आपको पूरा सिलोगिज्म पढ़ाऊंगा ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि सिलोगिज्म में वेन डायग्राम बनाने के बाद कैसे एक एक दो दो सेकंड में हम जवाब दे सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो याद होनी चाहिए। मैं आपको दो लाइनें बोल रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। दूर के केस में, दूर का केस क्या होता है, जहां कोई रिलेशन ना हो, जैसे ए से बी रिलेशन दिया हुआ है, बी से सी दिया हुआ है, बट ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, तो वही दूर का केस है। दूर के केस में सारी रियल बातें गलत, सारी पॉसिबिलिटी सही। ए और सी में कुछ भी बोल दिया जाए रियल केसेस में, गलत। और यही अगर मैं पॉसिबिलिटी बोल दूं, ऑल ए बीइंग सी जो पॉसिबिलिटी, तो सही है। इन दो लाइनों पे ना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लिखा हुआ है सम ए आर बी नो बी आर सी सम सी आर डी नो डी आर ई सम ई आर एफ, ये आपके स्टेटमेंट है। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, ए से एफ कुछ भी पूछा जाए रियल केसेस में, सम ए आर एफ ऑल ए आर एफ नो ए आर एफ सम ए आर नॉट एफ, चार ही बातें होती हैं, ऑल सम नो सम नॉट, सब गलत, देखते ही गलत, हम कह नहीं सकते ए और एफ में कोई रिलेशन नहीं है। यही अगर पॉसिबिलिटी हो, ऑल ए बींग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, सही, सम ए बींग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, सही, नो ए बींग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, सही, सम ए बींग नॉट एफ इज अ पॉसिबिलिटी, सही। कोई भी पॉसिबिलिटी पूछी जाए दूर के केस में, देखते ही सही करना है। ठीक है गाइस, चलो और भी, जैसे ए और डी का दूर का केस है, बी और डी का दूर का केस है, बी और ई का, बी और एफ का, ये सब दूर के केस है, तो आपको देखते ही
कोई भी अगर रियल बात है तो देखते ही गलत पॉसिबिलिटी है तो सही करना है. ऑल ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, ये दोनों बातें गलत हो गई क्योंकि ए और सी दूर का केस है. दूर के केस में सारी रियल बातें गलत. आइदर की कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सही आइदर में जो भी कंक्लूजन होगा वो सही नहीं होगा. ठीक है, हम कह नहीं सकते या तो ये होगा या तो ये होगा, बट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते यही होगा, क्योंकि सपोज करो पहला सही है तो आपका आंसर बन जाएगा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो. सपोज करो सेकंड कंक्लूजन सही है तो क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो. ठीक है, दोनों सही है तो बोथ फॉलो, तो फिर आइदर नहीं बनेगा. और पांच ऑप्शन आते हैं एग्जाम्स में, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर, नाइदर और बोथ. आइदर की कंडीशन होती है व्हेन सब्जेक्ट प्रेडिकेट आर सेम, जो आपके एलिमेंट लिखे होते हैं वो सेम हो. दोनों गलत हुई है, मैं आपको बता चुका गलती होगा. एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, ये आपको पता होगा. ऑल और सम के जो केस है वो पॉजिटिव होते हैं, नो और जो सम नॉट का केस है वो नेगेटिव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ऑल और सम का केस पॉजिटिव, नो और सम नॉट का केस नेगेटिव, तो ये सम नॉट है इसलिए नेगेटिव है. क्लियर? तो आइदर की कंडीशन मैंने क्या बताई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, दोनों गलत हो, एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो एक नेगेटिव कंक्लूजन हो, तभी आइदर बनेगा, ये आपका आइदर केस है. ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं. सपोज करो आपके दो कंक्लूजन है अलग से इसी डायग्राम पर, आइदर केस बनेगा या नहीं बनेगा बताइए. आप देखो ए और सी दूर का केस, दूर का केस देखते ही गलत कर दो. दूर के केस में सारी रियल बातें गलत होती हैं, दूर के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं. एक एक सेकंड में जवाब आता है सिलोगिज्म का, याद रखिएगा. केवल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मेरे सामने है ना, कोई भी कंक्लूजन मेरे सामने आ जाए विद इन 1 or 2 seconds मैं उसका जवाब दे दूंगा. कुछ कंडीशंस होती हैं, जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कंडीशन लिखवा दूंगा, ये कंडीशन होती है, उस कंडीशन को देख के 1-2 seconds में जवाब आएंगे. केवल वेन डायग्राम आपको जल्दी से बनाना होगा. चलो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, दोनों गलत है, एक पॉजिटिव है सम का केस पॉजिटिव, एक नेगेटिव है नो का केस नेगेटिव, आपका ये क्या बनेगा, आइदर 3 or 4. तो देखो ऑल और सम नॉट के केस में आइदर बना, सम और नो के केस में आइदर बना, कौन सा रह गया, सम और सम नॉट वाला. इजी है, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दोनों गलत क्योंकि ए और सी दूर का केस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आइदर बनेगा. ठीक है, बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं मैं वो बताता हूं. ये कंक्लूजन की ही बात हो रही है, ऑल ए आर सी और सम सी आर नॉट ए, बताइए आइदर केस बनेगा. ए और सी दूर का केस है, गलत तो दोनों हो ही गए. अब बताओ आइदर केस बनेगा नहीं बनेगा, क्यों, ऑल ए आर सी है आप इसको ऑल सी आर ए नहीं लिख सकते, सम सी आर नॉट ए है तो सम ए आर नॉट सी नहीं लिख सकते, तो जो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाइदर 5 nor 6. अब आगे देखिएगा, ठीक है, अब आप आगे देखिएगा, सम ए आर सी नो सी आर ए, ए और सी दूर का केस देखते ही गलत कर दो,
दूर के केस में सारी रियल बातें गलत होती हैं, देखते ही गलत। अब बताओ क्या ये आइदर होगा, क्या ये आइदर होगा? ये आइदर होगा, यहां पर अभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सम यहां ए आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, लेकिन सेम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सम ए आर सी है तो सम सी आर ए उसको लिख सकते हैं, नो सी आर ए है तो नो ए आर सी लिख सकते हो, किसी एक को भी चेंज कर लो। नो सी आर ए को आप लिखोगे नो ए आर सी, अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए, इसलिए क्या बना? आइदर केस। लेकिन यहां पर सेम नहीं हो सकते थे। अगर आपको बोला गया है ऑल ए आर बी तो ऑल बी आर ए नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकते आप उसको। बोला गया है सम ए आर बी तो सम बी आर ए है। अगर बोला गया है नो ए आर सी नो ए आर बी तो नो बी आर ए है, यहां चेंज हो जाती है चीजें जो मैं कर रहा हूं। बट अगर बोला गया है सम ए आर नॉट बी तो केवल ए से बी सम नॉट है, बी से ए सारी बातें गलत होंगी। गॉट इट गाइस? तो आइदर केस हम कब बनाते हैं, कब नहीं बनाते हैं, कब इंटरचेंज होती हैं, कब चीजें चेंज नहीं होती हैं, वो मैंने आपको क्लियर किया है। और वो तो सिंपल है, अगर दिया जाए ऑल ए आर सी नो ए आर सी तो ऑल और नो के केस में आइदर नहीं बनता। कुछ लोग बोलते होंगे सम और सम नोट में आइदर नहीं बनता, आइदर बनता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सम और सम नोट के केस में आइदर बनता है, याद रखिएगा। चलिए भाई का थोड़ा सा मैं आपको सम नॉट का केस बताता हूं। बच्चे जो है सम नॉट में कंफ्यूज होते हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए का जो पोर्शन है वो बी नहीं है, तो केवल यही सही होता है सम ए आर नॉट बी। अगर इस तरह का डायग्राम है तो केवल यही बात सही है सम ए आर नॉट बी, बी से ए सारी बातें गलत है। जैसे कि मैंने बोला ए का जो भाई है वो मेरे घर नहीं आ सकता, मैंने ये चीज बोल दिया कि ए का जो भाई है वो मेरे घर नहीं आ सकता, इसका मतलब ए का केवल भाई जो है वो मेरे घर नहीं आएगा, बाकी के जो ए के घर वाले हैं वो मेरे घर आ सकते हैं और नहीं भी, पता नहीं। मेरे घर वाले एक ही घर जा सकते हैं नहीं, पता नहीं। केवल एक ही बात पता है कि ए का जो भाई है वो मेरे घर नहीं आएगा, केवल एक बात सही है, इसके अलावा बाकी की चीजों पे हम नहीं कह सकते, तो वो सारी चीज हम रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि पता नहीं है। क्लियर? तो सम नॉट के केस को समझना सीखो। एक बच्चे यहां पर गलती करते हैं, सम ए आर बी नो बी आर सी सम सी आर डी, तो बच्चे जो है ए और सी को दूर का केस समझते हैं, नहीं, ये दूर का केस नहीं है। सम ए आर नॉट सी अगर लिखा हुआ है तो ये बात सही है। कैसे? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ए का कुछ पोर्शन जो बी में आया, ए का कुछ पोर्शन जो बी में आया और सभी पोर्शन सी नहीं है, जब मुझे बोल दिया कि जितना भी बी है वो सी है ही नहीं, मतलब ये पोर्शन भी जो बी का है वो सी नहीं है, कोई सारे बी सी नहीं है, और ये पोर्शन किसका बना? ए का। तो ये जो कुछ ए है ये वाले, ये सी नहीं होंगे, ये बात सही है। अगर यही बोल दिया जाता नो ए आर सी तो ये बात गलत होती, क्योंकि नो ए आर सी का डायग्राम ये होता है। तो आज मैंने आपको आइदर केस अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइदर की कंडीशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, जो आपके एलिमेंट है वो सेम हो, दोनों गलत हो, सही नहीं हो सकता, अगर एक भी सही होगा तो फर्स्ट फॉलो या सेकंड फॉलो बन जाएगा, तो दोनों गलत हो, एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो ऑल या सम, एक कंक्लूजन निगेटिव हो नो या सम नॉट।
ठीक है, तो आइदर बनेगा। कब कब बनेगा? ऑल और सम नॉट में, सम और सम नॉट में, और सम और नो में। ऑल और नो में आइदर नहीं बनता। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे मिलेंगे, और वहां चीजें आपको मैं कुछ और नई चीजें सिखाऊंगा। तो सिद्धांत जैन सर आपको फिर से आएंगे कुछ ना कुछ पढ़ाने। आप लोग यूट्यूब पर भी मेरी क्लासेस देखते रहिए, SBI क्लर्क नाइट राइडर्स के नाम से चालू हुआ है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू क्लास, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।